पशुओं की बात पशुपालकों के साथ पशुपालन विकास मंच से मैं आप सभी का साथी गुरमीत कवि। पहले तो पशुपालन विकास मंच देख रहे सभी साथियों को हाथ जोड़कर राम राम है, नमस्ते है। बिल्कुल आज हम पहुंच चुके हैं गांव काकड़ोली अट्ठी में महेंद्र सिंह जी के पास। एक बहुत बढ़िया गाय आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत बढ़िया ऑर्डर के साथ डिलीवरी होनी है। आज में हो जाए, कल में हो जाए, आजकल में दिन पूरे हो चुके हैं। आगे की सारी जानकारी महेंद्र जी एक बार राम राम कर दो सारे साथियों ने। राम राम भाई। तो अपना पूरा एड्रेस, गांव का नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना घर कहाँ पे है, एक बार ये सारी बातें बता दीजिए एक बार। अड़ोदी रोड पड़ता है। अच्छा, अड़ोदी रोड पे घर पड़ता है अपना। अच्छा अच्छा, अपना नाम आपका? नाम महेंद्र है। महेंद्र है जी। महेंद्र सिंह पलानिया, काकड़ोली अट्ठी, काकड़ोली। मोबाइल नंबर और बता दे महेंद्र सिंह। 9826208। 9826208 भाई साहब का मोबाइल नंबर है। तो इसे गाय के बारे में बताओ जी, कब लेके आए थे इस गाय को? गाय को जी मैंने अपने बालकपन की है। बालकपन की बछड़ी लेके आए थे? बच्ची गांव जन्म दिया था। अच्छा, घर पे ही तैयार करी थी? एचएफ की जैसी गाय हम देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो अभी डिलीवरी होने को है, आज दिन पूरे हुए हैं। हाँ। आज हम इसकी वीडियो बना रहे हैं 9 अगस्त 2023 को, दिन बुधवार है। समय लगभग शाम के 4 बजे है, जैसा महेंद्र सिंह जी ने बताया कि 9 अगस्त को इसका जो डिलीवरी टाइम है वो पूरा हो चुका है। अब कभी भी डिलीवरी हो सकती है? कभी भी हो सकती है। तो दूध अभी कौन सा लैक्टेशन है इसका जी? इसका जी दूजन का है। दूजन का लैक्टेशन है। पहले लैक्टेशन में क्या आप काफ दिया, नीचे क्या था? मतलब बछड़ा था जी। बछड़ा था? हाँ। अच्छा अच्छा, बछड़ा छोड़ दिया फिर? छोड़ दिया। अच्छा, बछड़े को छोड़ दिया। अभी इसका दूजन ब्याह है। हाँ। सेकंड लैक्टेशन है। तो अभी प्रेग्नेंट किससे कराई? टीका बीज किसका? बीज दरवाया था जी। बीज रखवाया था? हाँ। किसका सीमन था, कोई अच्छा बुल था या? अच्छा। साहब ने बीज रखा, सीमन रखा, उन्होंने कोई सर्टिफिकेट वगैरह कोई डॉक्यूमेंट आपको दिया था? कुछ नहीं। ठीक है। तो एचएफ का ही जैसे सीमन रखवा रखा है। तो पिछले फर्स्ट लैक्टेशन में जी कितने टाइम तक दूध दिया इसने? इसने बोतलों में दूध दिया, मैंने जी मैंने क्या नटाई है। अच्छा, खुद नटाई है? हाँ। और 2 महीना तो मैंने 20 किलो दूध होने जी 2 महीना रह गया था ना जी, मैंने दूध घटवा के जी वो सुखा के नटाई है। बहुत सुखा के नटाई है, खूब बात करके। ठीक। रही बात जी फर्स्ट लैक्टेशन में डिलीवरी के बाद, मतलब ब्याहने के बाद। हाँ। कितने दिन बाद प्रेग्नेंट हो चुकी थी आपकी गाय? ऐसे 3 महीने बाद में हो गई थी। 3 महीने बाद? हाँ। फर्स्ट टाइम में ही ठहर गई थी या जैसे? फर्स्ट टाइम में, मतलब दूसरी बार बीज दरवाजे डट गई जी। अच्छा, पहली बार जैसे? हाँ। रखवाया तो नहीं रुकी? नहीं रुकी। तो दूसरी बार फिर सीमन रखवाया, फिर रुक गई थी। तो फर्स्ट लैक्टेशन में इसका पूरा जब पीक आया हुआ 3-4 महीने बाद, जब ये अपना पूरा सेट होगी, तो कितना दूध दिया महेंद्र सिंह जी ने? इन्हें जी 28 लीटर दूध। 28 लीटर दूध खार के? ठीक। 28 लीटर दूध। अभी कितना उम्मीद लगा रहे हो सेकंड लैक्टेशन में? जी मैंने मन में है मेरे का कम से कम 35 किलो दूध की, कम से कम 35 लीटर की उम्मीद लगा रहे हैं महेंद्र सिंह जी। अच्छा महेंद्र सिंह जी, सेल करने का कोई विचार नहीं? कोई विचार नहीं, कोई विचार। फिर भी मन भी बन जाए, कोई साथी फोन कर लिया, धक्का कर लिया? नहीं, कोई भी फोन करो, मैंने को अनमोल चीज हमें बेचता नहीं। हाँ भाई, बिल्कुल अनमोल है, गऊ माता को बिल्कुल है। तो दूध का काम है जी अपना? अपना दूध का काम है। अच्छा, किस रेट जाता है दूध, जैसे किस टाइप से? 36 रुपए किलो। गाय का? कितनी गाय रख रखी है अपन? अभी फिलहाल अपनी 2 गाय है। और जहाँ तक बेच दी जी मैंने। अच्छा, एक गाय आपने बेच दी? 90,000 की दे दी। 90,000 की? वो कौन सी नस्ल थी? एचएफ ही थी। उसके नीचे वो तो डिलीवरी होने के बाद दी थी या क्या बन दी है? ना, 42 थी जी। अच्छा, वो डिलीवरी हो चुकी थी? कितने दिन हो चुके थे डिलीवरी को हुआ जी उसको बेचा? मैंने वो सारी 5 दिन की बेच थी, 31 किलो दूध तोल के दिया। 5 दिन की डिलीवरी थी, जेर वगैरह ठीक ठाक गिरती थी आराम से? सही। तो उसको आपने 90,000 रुपए की सेल किया, 31 लीटर दूध, 31 किलो दूध तोल, 31 किलो दूध तोल के। उसकी कौन सा लैक्टेशन था उसका? उसका कौन सा ब्याह था? उसका ये तीसरा था, इसकी बाण थी। अच्छा, वो इसकी बाण थी, ठीक है। उसकी तीसरी डिलीवरी थी, तीसरा लैक्टेशन था। अब इसका सेकंड लैक्टेशन है? हाँ, दूसरा। हाँ, सेकंड दूसरा। तो इसकी चुआई जो धारा की बात करा महेंद्र जी, वो सुतरी है जी। बढ़िया चुआई है, कोई भी निकाल लेता है धार? कोई भी निकाल। ऐसा तो नहीं होता कि महेंद्र सिंह जी आएंगे वही धार निकाल लेंगे, घर वाले भी निकाल लेते हैं? सब कर दो। और स्वभाव कैसा है?
गाय का हाँ नरम सुभा, कोई छिंका छुंकर और रस्सी रुस्सी लेना नूना कोई जरूरत नहीं पड़ती। न्याणा तो देखो जी मैं लगाऊ हूँ। अच्छा लगाते हो? लगाऊ हूँ। ठीक ठीक, गाय न्याणा की ठीक हो है। अच्छा अच्छा अच्छी हो है जी जी। तो मैं न्याण लगाई दूध काटने तो बैंक और है कोई लात लूत मार भी दे जी, मक्खी मच्छर हाँ हाँ दूध वगैरह खिंडा दे तो उन सभी चीजों से सिक्योरिटी, लेकिन से बिना न्याण दूध काट। अच्छा ठीक, तो डिलीवरी जब हुई इसकी उसके बाद डाइट प्लान क्या चलिया? डाइट खाने में क्या क्या खिला रहे हो जैसे शुरू से लेके जब इसको आपको, आपने इसको 3-4 महीने की प्रेगनेंट होगी थी ये डिलीवरी होने के बाद, तो डाइट में क्या कुछ बदलाव की और फिर गैप बंद होने के बाद क्या कुछ डाल लिया इसको, क्या कुछ खिलाया? जी मैंने इसने सब कुछ खुआऊँ, मैंने ये भिंदोड़ा इसने खुआऊँ। अच्छा, तेल इसने पियाऊँ। ठीक ठीक ठीक, और गुड़ इसने खुआऊँ। गुड़ भी? हाँ। ठीक ठीक ठीक, वो तो मैंने मेथी मेथी ये सारी चीज बाजरा ये सारा सौदा में इसने सारा चारा। हाँ। सारी चराई कैसी है? चराई बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से खा लेती है। अच्छा तो महेंद्र सिंह जी, हाँ जी, और क्या खिलाते हो जैसे बांड के अलावा? मुझे वो खनिज मिश्रण खुवाता हूँ इसको। अच्छा, न्यूट्री डाइट तो वो किस प्रकार खिलाते हो, कैसे? दोनों टाइम चार्ट में मिला कर, दोनों टाइम चार्ट में मिला कर खिलाते हो, उससे मतलब रिजल्ट लगा उसका आपको? हाँ जी, बहुत फायदा है, बहुत फायदा लगा। हाँ। भाई और ये वीडियो दिखाने का हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अच्छा पशुधन आप अपने घर पे तैयार करें, अच्छा दूध बेचें, अच्छा दूध अपने बच्चों के लिए बिल्कुल रेडी करें। बहुत बढ़िया HF की बिल्कुल सेकंड लैक्टेशन की गाय है और बिल्कुल महेंद्र सिंह जी के पास हम पहुँचे थे। एक बार महेंद्र सिंह जी अनुरोध करूँगा वीडियो समाप्त करने जा रहे, एक बार पूरा एड्रेस दोबारा से अपना मोबाइल नंबर के साथ बता दो जी। एक बार मोबाइल नंबर है 98126 81208, भाई साहब का मोबाइल नंबर है। महेंद्र सिंह जी नाम है, पिताजी का क्या नाम है? मनफुल सिंह। मनफुल सिंह जी नाम है, कौन सा रोड बताया ये? अड़ोदी रोड है। अड़ोदी रोड पे भाई साहब का घर पड़ता है। बिल्कुल बेचने की कोई इच्छा नहीं है भाई साहब की, ये बात सारे जो भी हमारे पशुपालन विकास मंच को देख रहे सभी साथी है सब कोई भाई माले बेचन खातर फोन माले माले मने मजबूर ना करे। हाँ, बेचने के लिए भाई कोई भी साथी सलाह ले सकता है भाई कैसे क्या करना है, लेकिन भाई बेचन खातर इसका बहाना बुझ जाए। हाँ, ये क्योंकि अनमोल चीज है ना भाई साहब, इसको बेचना चाहते हैं और ना भी इसको बेचने की सोची है। तो महेंद्र सिंह जी का अंतिम राम राम करते हो सारे साथियों। राम राम भाई, नमस्कार जी सभी साथियों।